सो हाय गाइस, इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाथ इन डिटेल्स। सो पाथ जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एसबीजी में। अगर आपने एसबीजी पहले कभी डाउनलोड किया है नेट से या फिर कहीं से भी, और आप उसको ओपन करके देखते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारा वियर्ड जो चीज़ है ना, वो पाथ के अंदर लिखा हुआ होता है। सो इस वाले वीडियो के बाद जो है ना, आपको पाथ पूरा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और मतलब समझ में आ जाएगा कि हर एक जो लाइन ऑफ कोड वहाँ पे है ना पाथ के अंदर में, वो करता क्या है एसबीजी में। सो चलिए हम लोग उसका कमांड सिंटेक्स और व्हाट इट डज, इस इन तीन चीज में हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो चीज़ है ना, फर्स्ट चीज़ हम लोग देखने वाले मूव टू। सो मूव टू जो है ना, मूव टू ये इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स कुछ ऐसा है, एम एक्स कोमा वाई। सो ये करता क्या है, ये क्या है ना, ये मान लीजिए हम लोग पेपर में कुछ ड्रॉ करने जा रहे हैं, राइट। सो पेन जो है ना, ये एक पेन है, ओके। ये पेन हम लोग उठाते हैं पेपर से और यहाँ पे हम लोग उसको डालते हैं मूव टू, मतलब यहाँ पे एक्स कोमा वाई पे। सो इसी को बोलते हैं मूव टू। सो इसको और डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम लोग लाइन टू पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट जो कमांड है इसके अंदर, ओके। सो नेक्स्ट जो कमांड है ना, वो हो गया आपका लाइन टू। लाइन टू का जो सिंटेक्स हो गया, सिंटेक्स आपका हो गया ऐसा कुछ, एल एक्स कोमा वाई। सो ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि लाइन टू काम कैसे करता है। सो यहाँ पे हम लोग पहले ना, यहाँ पे हम लोग पेन को रख देते हैं पेपर में। सो पेन को रखने के लिए वो कमांड क्या था आपका, वो था एम एक्स वन वाई वन, ओके। एक्स वन वाई वन हम लोग पकड़ लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वन वाई वन। फिर नेक्स्ट हम लोग इसको पेन को कहाँ तक हम लोग लाइन यहाँ पे खींचने वाले, लाइन खींचने वाले टोटल हम लोग यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, खींचेंगे कहाँ तक, ये जो पॉइंट हो गया यहाँ पे राइट साइड में, राइट साइड में जो है ना, ये पॉइंट हो गया आपका एक्स टू वाई टू, और इसको हम लोग लिखेंगे एल एक्स टू वाई टू। तो जो फुल कमांड हो गया ना, फुल जो आपको यहाँ पे आपको कमांड मिल गया, वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे कमांड हो गया एम एक्स वन वाई वन एल एक्स टू वाई टू, ये हो गया आपका फुल कमांड, राइट। सो इसी के साथ ये जो है ना मूव टू और लाइन टू, वो हम लोग अभी देख चुके हैं। अभी हम लोग जो नेक्स्ट आपको चीज देखने वाले, वो हम लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कर्व ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। सो कर्व के लिए हम लोग कैसे हम लोग वो लिखने वाले हैं, तो उसका कमांड क्या है, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। नेक्स्ट कमांड हम लोग का हो गया वो कर्व टू, राइट, कर्व टू। और उसका जो कमांड है ना, ये कमांड थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर इसको अच्छे से यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका सी। सी से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे थ्री कोऑर्डिनेट्स हम लोग को यहाँ पे जाने वाला है। जो पहला वाला है ना, पहले वाला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्लू मार्कर के साथ। सो ब्लू मार्कर के साथ यहाँ पे एक्स वन वाई वन, राइट। फिर नेक्स्ट जो कमांड हो गया, वो हो गया आपका ब्लैक मार्कर के साथ। ब्लैक मार्कर के साथ यहाँ पे हो गया आपका एक्स टू वाई टू। फिर जो थर्ड है ना, थर्ड यहाँ पे लिखने वाले एक्स थ्री वाई थ्री, ओके। सो इसको हम लोग अभी डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये होगा कैसे। सो उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे ड्राइंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ब्लू है ना, ब्लू मार्कर से हम लोग यहाँ पे लिखने वाले, सॉरी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेन को पेपर में रखने से। सो पेन को पेपर में रखने के लिए आपका कमांड क्या था, वो था एम से, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, उसको एम एक्स वाई, अभी के लिए इसको हम लोग एक्स वन वाई वन नहीं करते, सिर्फ एम एक्स वन एक्स वाई यहाँ पे लिखने वाले ग्रीन मार्कर से। तो आपको मालूम चल जाए कि यहाँ पे मैं पेन पेपर में पेन रख चुका हूँ। सो उसके बाद जो है ना, हम लोग यहाँ पे एक ऐसे मतलब दे देते हैं कि हम लोग को यहाँ तक हम लोग को जाना है, राइट। सो उसके बाद जो है ना, यहाँ पे सी एक्स वन वाई एक्स, फिर एक्स टू वाई टू, फिर एक्स थ्री वाई थ्री, ये कैसे यहाँ पे शो करने वाला है। सो रुकिए, मैं थोड़ा सा पेपर को लेफ्ट की तरफ ला देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग कमांड लिख रहे थे, फिर हम लोग देखते कि ये मतलब क्या दर्शाता है। सो कमांड के लिए यहाँ पे हो गया हम लोग यहाँ पे सी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, फिर ब्लू मार्कर से मैं लिखने वाला हूँ आपका एक्स वन वाई वन, फिर आपका जो ब्लैक मार्कर है ब्लैक मार्कर से लिखने वाला हूँ एक्स टू वाई टू, फिर जो रेड मार्कर है रेड मार्कर से लिखने वाला हूँ एक्स थ्री वाई थ्री, ओके। सो ये जो है ना, ये आपको मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ कि ये ड्रॉ कैसे करने वाला है, ये ड्रॉ कुछ इस तरह से करने वाला है, राइट। तो इस तरह से करने के लिए जो ब्लू मार्कर है एक्स वन वाई वन, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया आपका, मान लीजिए ये हो गया आपका एक्स वन वाई वन, राइट। तो एक्स वन वाई वन अगर यहाँ पे पॉइंट है, तो फिर ये कुछ ऐसा जाएगा, ये देखिए ऐसा जाएगा, ये हो गया यहाँ तक, फिर ये जाएगा ब्लू मार्कर तक, फिर जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक मार्कर, ब्लैक मार्कर क्या करते हैं ना, ब्लैक मार्कर वो यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, वो क्या करते हैं एक्स टू वाई टू यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फिर ये जाएगा यहाँ पे कर्व के इस वाले एंगल में, ये हो गया आपका। फिर जो आखिर में जो रेड मार्कर है, रेड मार्कर जैसे कि आपको पता ही चल चुका है अभी तक, ये होगा लास्ट एंडिंग पॉइंट, कहाँ पे आपको जाके ये टच करना है और पेन को रखना है। सो ये हो गया आपका एक्स थ्री वाई थ्री। सो ऐसे टाइप से आप यहाँ पे, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ऐसा टाइप से जो है ना आपका क्यूबिक बेजियर, आप जो है ना इस वाले से आप कर्व बना सकते हैं। सो ये जो थ्री आपको यहाँ पे मिल चुका है ना कमांड, यही मेनली आपका जो पाथ है ना, पाथ को दर्शाता है,
मेनली मूव टू, फिर लाइन टू, और ये जो थर्ड हो गया ये कर्व टू। सो इस वाले के साथ अभी हम लोग ना एक चीज बनाने वाले, एक स्माइली बनाने वाले। स्माइली से हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पता चल जाएगा कि हम लोग एक्चुअली में ये थ्री कमांड्स को लेके हम लोग कैसे एसवीजी में पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, या सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।